हेलो एवरीवन, मैं शिवा सिंह और आज हमने साइंस का एक टॉपिक लिया हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आगे आने वाले सभी क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, एक हम इक्वेशन लेते हैं जिसे हम बैलेंस करके समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन का मतलब कि यदि हम जनरल फॉर्म में कोई रिएक्शन लिखा जाए, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी। क्लियर, ये एरो मार्क है आपका। एरो मार्क के ये जो पीछे वाला है, ठीक है ना, टेल के साइड का, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर, और जो हेड साइड का, हेड साइड का मतलब इस एरो मार्क का हेड साइड का, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस साइड को क्या बोलते हैं आप, इधर LHS जो जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हालांकि आपको कुछ इक्वेशन में हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा जिसे हम इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो जिधर एरो मार्क होता है, जिसका हेड होता है एरो का, वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका टेल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, रिएक्टेंट। तो आई होप ये केमिकल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन हम ले लेते हैं ZN प्लस H2SO4 गिव द प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2। क्लियर, हमने क्या लिया, एक जिंक लिया हुआ है और उसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड में से रिएक्ट कराया, हमको क्या मिला, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस मिला। अब इसको बैलेंस कहने का मतलब कि दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ, डैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ZN जिंक दिख रहा है, तो ये जिंक नंबर में कितना है, 1 है। क्लियर, यहाँ पे 1 होता है, हम 1 को नहीं लिखते हैं। क्लियर, ये कितना है, 1 है। इधर देख लेंगे ZN कितना है, 1 है। क्लियर, अब यहाँ पर देखते हैं H2 कितना है, तो H2 को देखेंगे, ये तो 2 है। इस साइड देखेंगे H2, ये भी 2 है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2। क्लियर, अब सल्फर पर चलते हैं, सल्फर S देखेंगे, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। क्लियर, तो ये क्या होगा, 1 है, इस साइड भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है इधर, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी ये पहले से ही एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब एक ऐसा हम रिएक्शन लेंगे जिसको हम बैलेंस करके समझेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, Fe आयरन को हम H2O गैस से रिएक्ट कराएंगे, क्या मिलेगा हमको, Fe3O4 प्लस H2। कुछ केमिकल इक्वेशन को हमें याद करना पड़ता है। क्लियर, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा, नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, एटम्स 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आना चाहिए कि यहाँ पे 3 हो गया, रिएक्टेंट की तरफ आयरन कितना हो गया, 3 हो गया, इधर कितना है, 3 हो गया, यानी दोनों तरफ आयरन क्या हुआ, वो बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 1 होता है और यहाँ का जो रिलेशन होता है तो वो मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, यानी 3 1 3 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 है, और यहाँ पे 1 तो होगा ही क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, तो 1 3 3। क्लियर, ऑक्सीजन पर चलते हैं, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ये 4 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है आपका, तो इस साइड 4 हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ध्यान देंगे कभी भी कोई भी नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने में, सब्स्टिट्यूट करने में, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। कभी भी करेंगे तो क्या करेंगे, एक कोफिशियंट के रूप में करेंगे। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो क्लियर होंगे, कोफिशियंट के रूप में करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, फोर वन जा फोर, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया नंबर में, फोर। अब हाइड्रोजन पर चलते हैं। हाइड्रोजन पर क्या है, पहले LHS के साइड का देखते हैं। हाइड्रोजन आपका है फोर टू जा एट, यानी एट हाइड्रोजन है। इस साइड देख लिया जाए, इधर तो आपका टू है, तो यदि हम यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, फोर टू जा एट। अब हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि गलत है कि सही। आयरन से शुरू करते हैं, आयरन क्या है, थ्री है नंबर इन थ्री। इधर आयरन कितना है, थ्री है। हाइड्रोजन कितना है, फोर टू जा एट। क्लियर? फोर टू जा एट, यानी हाइड्रोजन कितना है, फोर एट है। इस साइड भी क्या है, फोर टू जा एट, ये भी क्या है, एट है। ऑक्सीजन पर चलते हैं, फोर वन जा फोर, यानी ऑक्सीजन कितना है, फोर। यहाँ पर वन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, कर भी दिया जाए तो गलत नहीं कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर वन लिख दिया हूँ, फोर वन जा फोर, यानी ऑक्सीजन कितना है, फोर है। इस साइड कितना है, ऑक्सीजन फोर है, और यहाँ पर वन हो सकता है, होगा वन, तो वन से। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। और जितनी भी स्टूडेंट हैं इस लॉकडाउन के टाइम में, घबराए नहीं, ये टॉपिक हम पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।